इन द रेस ऑफ टैलेंट एक्सपीरियंस ऑलवेज विंस। कहा जाता है, समझदार लोग कहते हैं, टैलेंट की रेस में जीत हमेशा एक्सपीरियंस की होती है। अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो आखिर क्यों युवराज सिंह वर्ल्ड कप 2019 की टीम इंडिया के जो 15 खिलाड़ियों की सूची तैयार होने वाली है उसमें से ड्रॉप आउट कर दिए गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ मेघा। फैंस डिमांड में आज हम चर्चा करने वाले हैं युवराज सिंह पर। जैसा कि आप सब नाम से ही समझ गए होंगे, फैंस डिमांड में बीसीसीआई के निर्णय पर, आईसीसी के फैसले पर, कोहली के गुस्से पर नहीं बल्कि हम चर्चा करते हैं सिर्फ दर्शकों की डिमांड पर। फैंस डिमांड नाम ही है आप सबके दिल की बात, आप सबके दिल की चाहत का। तो ऐसे में सबसे पहले आपको बता दें, जितने मैसेजेस आए हैं, जितने कमेंट्स आए हैं, सब में जिक्र है सिर्फ और सिर्फ सिक्सर किंग युवराज सिंह का। युवराज सिंह जिनका 6 छक्के वाला रिकॉर्ड आज भी क्रिकेट प्रेमियों को याद है, युवराज सिंह जिनकी ऑक्शन के दौरान, आईपीएल का जब ऑक्शन हो रहा था, बोली नहीं लगी, आखिरकार मुंबई इंडियंस ने उन्हें खरीदा। 1-2 मैच के बाद बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया, क्योंकि क्रिकेट या खेल का मैदान एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी जगह है जहां पर आपका गेम नहीं है तो आपका नेम नहीं है। रोहित शर्मा और विराट कोहली यानी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और उपकप्तान दोनों ने मिलकर युवराज सिंह को ड्रॉप आउट कर दिया है। युवराज सिंह को दोनों ने मिलकर यहां पर वर्ल्ड कप की रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस तरह की खबरें एक के बाद एक लगातार आ रही हैं। तो ऐसे में दर्शक जो हैं, क्रिकेट प्रेमी जो हैं, उनके दिल से क्या बातें निकल रही हैं, उनका दिल क्या कह रहा है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए इसी पर नजर डालेंगे हम। देखिए जरा, युवराज सिंह आज का आईपीएल मैच भी मुंबई इंडियंस की तरफ से नहीं खेल पाए। खराब परफॉर्मेंस की वजह से युवराज सिंह यानी सिक्सर किंग को नहीं मिल रही है आईपीएल में मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 में जगह, जो युवराज के फैंस को काफी ज्यादा निराश कर रही है। इन सब के बीच में आज हम फैंस के बीच में चलेंगे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, आज हम दर्शकों की डिमांड पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बात आपको बता दें, युवराज सिंह का नाम आखिरकार उस लिस्ट से हट चुका है जिसमें वर्ल्ड कप के लिए खेले जाने वाले 15 खिलाड़ियों का नाम दर्ज था। जी हाँ, सुनने में भले ही बुरा लगे लेकिन क्या करे, सच यही है, युवराज सिंह को भारत की प्लेइंग 11 में वर्ल्ड कप के लिए जगह नहीं मिली है। फैंस काफी ज्यादा युवराज के गुस्सा हैं, फैंस युवराज के काफी ज्यादा खफा हैं, और इन्हीं सब के बीच में दर्शकों के दिल से निकली है एक बात। दर्शकों के दिल ने कहा है क्या कुछ, इसी पर नजर डालेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। ढेर सारे मैसेजेस हमें फैंस ने भेजे हैं जहां कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा पर फैंस ने अपना गुस्सा उतारा है, इनकी मुश्किलों को यहां पर बढ़ाया है। सीधे लेकर चलते हैं आपको दर्शकों की डिमांड के पास और आपको बताते हैं एक एक करके अपना गुस्सा विराट कोहली और रोहित शर्मा पर निकालते हुए युवराज सिंह के प्रशंसकों ने क्या कुछ कहा। प्रियांशु राज सबसे पहले लिखते हैं, सिलेक्शन ऑफ यूवी ऑन बैटिंग नंबर 4 इज वेरी नेसेसरी फॉर विन द वर्ल्ड। ही हैज ओनली एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल प्लेयर फॉर बैलेंस एंड विन द बिग एंड ग्रेट आईसीसी टूर्नामेंट्स। प्रियांशु राज को लगता है कि युवराज के पास एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस ही भारत को जितवाएगा वर्ल्ड कप। आगे बढ़ते हैं, अगला मैसेज आया है अमित शर्मा की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि अब कभी इंडिया को सपोर्ट नहीं करूंगा। जिसका डर था युवराज के ड्रॉप आउट हो जाने के बाद, वही चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। डर था इस बात का कि कहीं युवराज के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने का नतीजा टीम इंडिया के बाकी प्लेयर्स को ना भुगतना पड़े, लेकिन होने यही लगा है। यहाँ पर इस तरीके के ही जितने कमेंट्स सामने आए हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। अगला मैसेज है सुनील मौर्य का, जिन्होंने लिखा है, यूवी के बिना 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों से हार कर बाहर हो जाएगी। यानी सुनील मौर्य ने अपनी तरफ से भविष्यवाणी कर दी है कि अगर युवराज सिंह के बिना इंडिया जाती है ये वाला टूर्नामेंट खेलने वर्ल्ड कप का, तो हो जाएगी बाहर।
क्योंकि नहीं है युवराज सिंह के बिना टीम इंडिया में इतना दम कि यहाँ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों का सामना कर सके। आगे बढ़ते हैं, अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो आया है अशोक पवार की तरफ से, और इन्होंने लिखा है वर्ल्ड कप युवी इज बेस्ट प्लेयर, यानी वर्ल्ड कप के लिए युवराज सिंह है सबसे ज्यादा बेस्ट, वर्ल्ड कप के लिए युवराज सिंह से ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं है। विशेल भारती लिखते हैं विदाउट एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक युवराज, रायना, हरभजन, इंडिया इम्पॉसिबल टू विन वर्ल्ड कप, वेदर द सिचुएशन फॉर कैप्टन विराट कोहली विल बी वेरी पैथेटिक, गुड लक टीम इंडिया। इन्होंने साफ कर दी है ये बात कि अगर यहाँ पर नहीं है युवराज, रैना, हरभजन जैसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी तो नहीं हो सकती टीम इंडिया की जीत, और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये खिलाड़ी नहीं होंगे तो यहाँ कप्तान विराट कोहली के लिए मुसीबतें, विराट कोहली के लिए परेशानियाँ काफी ज्यादा वर्ल्ड कप में बढ़ने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं विकास कुमार जिन्होंने लिखा है आई हेट यू रोहित शर्मा, युवराज सिंह को चांस नहीं देते हो, विराट कोहली के जैसे हालात हैं तुम्हारे भी ऐसे होंगे। यानी इन्होंने यहाँ पर रोहित शर्मा को धमकाया है, रोहित शर्मा से कहा है कि युवराज सिंह को बाहर आपने किया है, अगर अब भी नहीं सुधरे तो विराट कोहली के जैसे हालात तुम्हारे भी हो जाएंगे। पीके सिंह लिखते हैं अगर वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो जूते मारना चाहिए कोच और कैप्टन को, यानी ये गुस्सा हो चुके हैं, और इन्होंने कहा है कि अगर विराट कोहली वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो जूते मारने चाहिए सीधे सीधे कैप्टन को और कोच को। अमित शर्मा लिखते हैं विराट को कैप्टेंसी नहीं आती। वेद प्रकाश लिखते हैं प्लीज विराट कोहली युवराज को खिला लो। सोहेल काजी ने लिखा है वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, युवराज सिंह, एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या, केदार जाधव, बुमराह, दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव, रविंद्र चहल, इंडिया प्लेइंग 11। इन्होंने अपनी तरफ से प्लेइंग 11 यहां पर मेंशन कर दी है। इनके अकॉर्डिंगली इसी टीम को लेकर भारत को इंग्लैंड जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। लक्ष्मण रेमन लिखते हैं युवराज सिंह को खिलाओ नंबर 4 पर। देव दुबे ने लिखा है यूवी ही होना चाहिए वर्ल्ड कप में। ये थी आज की फैंस डिमांड, जहां एक तरफ युवराज सिंह को कर दिया गया है यहां पर मुंबई इंडियंस की ओर से ड्रॉप आउट खराब परफॉर्मेंस की वजह से, जहां एक तरफ युवराज सिंह को नहीं मिली जगह यहां पर मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में जो आज मैच खेले जाने वाला है उसमें, वहीं फैंस की डिमांड ये कहती है कि अब बस अगर युवराज सिंह नहीं है तो टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इन सबसे हटकर एक और खास बात हम यहां पर आपको बता दें कि जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार युवराज सिंह के बाहर हो जाने को लेकर फैंस का गुस्सा फूटता जा रहा है रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली पर, जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार फैंस के सब्र का इम्तहान यहां पर अब टूटता जा रहा है, उससे ये बात तो साफ हो चुकी है कि दर्शकों को, जनता को, क्रिकेट प्रेमियों को अब भी विराट कोहली से उम्मीदें हैं। उन्हें अब भी लगता है कि विराट कोहली 2019 का वर्ल्ड कप जिताने में टीम इंडिया के लिए एक अहम योगदान दे सकते हैं। आगे क्या फैसला होगा वो 15 अप्रैल को पता चल ही जाएगा। खबरें तो एक के बाद एक लगातार आ रही हैं। कई बार कुछ आंकड़े ऐसे निकलकर सामने आते हैं जिसमें कहा जाता है कि युवराज सिंह को वर्ल्ड कप में जरूर खिलाया जाएगा, फिर कुछ आंकड़े ऐसे निकलकर आते हैं जिनमें कहा जाता है कि युवराज सिंह को वर्ल्ड कप खिलाना यहां पर चयनकर्ताओं की भूल होगी। दर्शकों की नाराजगी, युवराज के प्रशंसकों की नाराजगी अपनी जगह जायज है, लेकिन खेल में आज भी हम कहेंगे परफॉर्मेंस ही आपका बोलता है, रिकॉर्ड्स ही आपके बोलते हैं, और वो रिकॉर्ड्स नहीं जो आपने सालों पहले बनाए हैं, वो रिकॉर्ड्स जो आप आज बना रहे हैं। फैंस डिमांड में आज के लिए बस इतना ही। आपके दिल की बात युवराज सिंह के लिए या किसी और खिलाड़ी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स के साथ और रहें अपडेटेड।